सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के 2021 के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। ये सब एक नंबर के हैं, आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। दोस्तों सिंपल सा, यहाँ पर देखिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है, हमारी पृथ्वी लगाती है। ये हमारा सन हो गया और ये हमारा पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता, तो ये हमारा मून हो गया। अब आप देखिए पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, अब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अब देखिए तीनों एक सीध में यहाँ पर है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और जब पृथ्वी के सीध में चंद्रमा आ जाता है तो इससे क्या होता है, यानी कि पृथ्वी की उपछाया का मतलब ये है कि चंद्रमा उसके सामने आ रहा है। पृथ्वी के सामने आएगा तो पृथ्वी की छाया कहाँ बनेगी, चंद्रमा पे बनेगी। और जहां जहां पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी वहां वहां चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं दिखेगा, तो ये क्या हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, खंड चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे, खंड चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन 7 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजर रहा है, गुजर रहा है यहाँ पर, तो ये गुजर रहा है इसका मतलब ये है कि इसके पूरे भाग पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ेगी। जिस भाग पर पड़ेगी वहां पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और जहां पर नहीं पड़ेगी वहां पर चंद्रमा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि खंड चंद्र ग्रहण हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन 7 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में, दही में, अंगूर में या फिर टमाटर में। तो दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल है ये पाया जाता है दही में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक इसमें से कौन सा। दोस्तों देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है सरोता, सरोता है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। द्वितीय वर्ग में क्या होता है, जो भार होता है वो बीच में होता है, जैसे कि कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है, जो कूड़ा जिसमें कूड़ा हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, वो भी क्या होती है, कूड़ा ढोने की जो एक पहिया गाड़ी होती है वो भी द्वितीय वर्ग का ही उत्तोलक होती है। इसके अलावा जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की, वो भी क्या होती है, द्वितीय वर्ग का ही उत्तोलक होती है। यहाँ पे चिमटा दिया है, ये चिमटा जो है तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। इसके अलावा चाकू भी क्या है, चाकू भी तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। किसान का हल भी तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। इसके अलावा मनुष्य की भुजा भी तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ज्वालामुखी का फूटना है, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सेब में, दही में, अंगूर में या टमाटर में। दोस्तों तो जो लैक्टिक अम्ल है ये दही में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तराजू, सीसा, चिमटा या सरोता। तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक दोस्तों इसमें से है सरोता, जिसमें भार क्या होता है, बीच में होता है, जैसे कि एक पहिया वाली कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है वो भी क्या होती है, वो भी द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होती है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो भी द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होती है। यहाँ पे चिमटा दिया हुआ, ये तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। चिमटा के साथ चाकू भी तृतीय वर्ग का उत्तोलक होगा। इसके अलावा जो मनुष्य का हाथ है वो भी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में ही आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, स्टेपलर जो होता है वो भी तृतीय वर्ग के उत्तोलक में ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वालामुखी का फूटना क्या है, मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है या अनियमित परिवर्तन है। तो ज्वालामुखी कभी कभी ऐसे अचानक से ही फूटता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनियमित परिवर्तन कहेंगे। नियमित परिवर्तन क्या है, नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे कि सूर्य निकलता है हर दिन, यह नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। और जो ज्वालामुखी है ये कभी कभी फटता है, तो ये अनियमित परिवर्तन है, नियमित नहीं है, यानी कि रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, तो ये अनियमित परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है, Na2CO3, CaOH, CaCO3 या फिर CaO। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। जो अम्ल होते हैं वो ऑरेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं। जबकि क्षार क्या होते हैं, क्षार वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक या बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लवण ही बता दिया, जबकि आपको पता है केवल अम्ल और क्षार में अंतर पूछा है, तो यहाँ पर हम लवण भी देख लेते हैं अगर एग्जाम में आए तो, ये भी आपको ध्यान में रहे। धनायन प्राय धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे कि Cl- NO3- SO4- आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर परमाणुओं का समूह होते हैं, जैसे कि NH4+ आयन, K2SO4, NH4Cl, CuNO3 का होल ट्वाइस आदि लवणों के एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा लवण यानी कि नमक NaCl तो आपको पता ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। फसल चक्रण क्या होता है या फसल चक्र किसे कहते हैं, 2021 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। आप देखिए 2019 में पूछा गया, 20 में नहीं पूछा गया, फिर 21 में पूछ लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप पढ़ के जाते हो तो उसका फायदा आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है कि फसल चक्रण, तो फसल चक्रण क्या होता है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि एक बार एक फसल बिठाया, फिर उसके बाद उसी फसल को हम नहीं बैठाएंगे, उसकी जगह पर कुछ और कोई और फसल, किसी और फसल का बीज हम बोएंगे उस खेत में, जिससे जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो, बनी रहे। ठीक है, देखिए अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इसी प्रकार की अदला बदली को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्हीं दो कीट भच्छी पौधों के नाम लिखे, तो नेफेंथिस, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप दिया हुआ है, इसके अलावा दोस्तों ड्रोसेरा भी होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्रोसेरा भी होता है, नेफेंथिस, ये सब कीट भच्छी पौधे हैं, कीटों को क्या करते हैं, खा लेते हैं और उससे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। दोस्तों देखिए किसी कारक के कार्य करने की समय दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य एक ही चीज होती है, किसी वस्तु के कार्य करने, किसी व्यक्ति के कार्य करने के समय की दर को हम उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। यदि किसी कार्य द्वारा टी समय में डब्लू कार्य किया गया है तो उसकी सामर्थ्य पी बराबर होगा कार्य बटा समय, यानी कि कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। तो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। सामर्थ्य का मात्रक एमकेएस प्रणाली में सामर्थ्य का मात्रक वाट अथवा जूल होता है, जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और यहाँ पर देखिए टी यानी कि समय, तो जूल बटा समय यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसका मात्रक हो गया। इसके अलावा वाट भी होता है। तो कार्य तथा सामर्थ्य का क्या संबंध होता है, यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो किया गया कार्य डब्लू बराबर पी इंटू टी, यहाँ पर पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से डब्लू बराबर पी इंटू टी भी कर सकते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में प्रमुख अंतर क्या है। तो जो नवीकरणीय संपदा है, जो नए ऊर्जा के संसाधन है जैसे कि सौर ऊर्जा, सूरज का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसके अलावा बायोगैस, ये सब क्या है, ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, ये हमेशा रहेंगी। तो जो कभी नहीं खत्म होंगी, जो भविष्य में भी कभी समाप्त नहीं होंगी, वो नवीकरणीय है, और जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगी, जो सीमित है, वो अनवीकरणीय है, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ, ये भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं, तो ये क्या हो गए, अनवीकरणीय होंगे। देखिए यहाँ पर लिखना भी यही था कि नवीकरणीय संपदा वह संपदा जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जो कभी समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नवीकरणीय संपदा का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जबकि जो अनवीकरणीय है इसमें आप पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा कोयला, ये सब लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, टीकाकरण क्या है, लिखिए। तो टीकाकरण जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, कोरोना का वैक्सीन तो आप लोगों को लगा ही होगा, तो उपयुक्त समय पर रोग जनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है, इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर हम लघु उत्तरी क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में बताइए। 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 के पेपर में तो पूछा ही गया, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए 2015 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सब मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तो आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सारे विषयों की मास्टर क्लास आपको मिल जाएगी
मास्टर क्लास की वीडियो देखना आप मत भूलिएगा। मास्टर क्लास अगर आपने देखा तो उससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे हर एक विषय के, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे के पूरे विषयों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो मास्टर क्लास में पूरे विषय को एक ही वीडियो में खत्म किया हमने। अगर आप उन वीडियोस को देखते हो दोस्तों तो आपको बहुत लाभ होगा। और आपको पता है कि पवन सीरीज राजन सीरीज को पूरा हमने सॉल्व करा दिया है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कान में ईयरफोन लगाना है और सारे वीडियोस को बिल्कुल सुन डालना। अगर आप चाहते हो वाकई में कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि आपको पता है एक बार बैक लगने के बाद कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें एक बार बैक लग गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है, और उसके चक्कर में आप और सब सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपको अभी से मेहनत करनी है, और किसी भी विषय में बैक लगेगा ही नहीं अगर आप अच्छे से सारे विषयों को देख करके जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे। दोस्तों चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दांतों के प्रकारों के विषय में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से चार प्रकार के पाए जाते हैं मनुष्य के मुख में। तो पहला है कुंतक या छेदक दंत। ये दांत धारदार होते हैं, इनकी संख्या चार चार होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और ये सबसे पीछे होते हैं। फिर देखिए रदनक या भेदक दंत। इन दांतों की संख्या दो दो होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर है अग्रचवर्णक दंत। इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या चार चार होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। फिर है डांड या चवर्णक। ये दांत मुख में पीछे की ओर होते हैं तथा आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। इनकी कुल संख्या छह होती है। तो ये चारों को याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट करिए। देखिए उधर यहाँ पर देखिए ये 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया, 21 में पूछा गया। ये एक ही क्वेश्चन लगातार 3 साल पूछा गया, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य रूप से देखिए भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी रचना में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि एक पेड़ को काट करके उसकी लकड़ी से हमने कुर्सी बना दिया, मेज बना दिया, दरवाजा बना दिया, खिड़की बना दिया और सबको अलग अलग कलर से रंग दिया, वो देखने में क्या है, उनकी आकृति अलग हो गई। खिड़की की आकृति अलग है, दरवाजे की अलग है, मेज की अलग है, कुर्सी की अलग आकृति है, सबका रंग भी अलग अलग है, लेकिन वो वस्तु है क्या? लकड़ी ही तो है, बनी तो लकड़ी से है, लेकिन वो लकड़ी तो मूल चीज क्या है, उसमें जो मूल वस्तु है या फिर ये कहें कि मूल चीज है वो क्या, लकड़ी ही तो है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी कुछ बदल जाते हैं और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वो वस्तु ही बदल जाती है। जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गई, क्या फिर आप वाकई में फिर से दही से दूध बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो क्या हुआ, रचना भी बदल गई, उसका स्वाद भी बदल गया, पूर्ण रूप से वह वस्तु ही चेंज हो गई एकदम, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में फिर दोबारा वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती है और एक नई वस्तु बन करके हमें मिलती है। फिर देखिए भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है और इस परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि हमने कागज को जलाया, कागज को जब हमने जलाया तो वो क्या बन गया, राख बन गया। अब ये राख क्या हो गया, ये क्या हो गया, मिट्टी हो गया ना। तो इस तरीके से एक नया पदार्थ बन जाता है। इसके अलावा देखिए भौतिक परिवर्तन कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जबकि कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि एक बार कागज को जला दिया, राख बन गई, उस राख से वापस कागज हम नहीं बना सकते। इसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि लकड़ी जो है वो मूल रूप से लकड़ी ही रहेगी, लकड़ी बदल नहीं जाएगी। इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा दूध से दही का बनना, कागज का जलाना। इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता है। किसमें, भौतिक परिवर्तन में। उस लकड़ी को काट करके आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उस टुकड़े से आपने कोई भी आकृति बना ली तो उसका वजन वही रहेगा। इसमें वस्तु के भार में अंतर या नया पदार्थ बनने के कारण आ जाता है। जैसे कि जब हमने कागज को जलाया, कागज का कुछ भार था, लेकिन अब जब वो उसको राख बना दिया तो राख क्या होगी, थोड़ी और हल्की हो जाएगी। फिर अब भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से वस्तु की रचना में कोई अंतर नहीं आता है, जबकि वस्तु की रचना में प्रकाश एवं विद्युत से परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि प्रकाश और विद्युत का मतलब क्या, जलाने से क्या हुआ,
कागज जलाने से राख बन गया ना। फिर देखिए, दाब के प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार एवं स्वरूप बदल जाता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, अधिक दाब पर नए पदार्थ बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जीव कोशिका का नामांकित चित्र बनाई थी। देखते हैं जीव कोशिका को, हम जीव कोशिका का नामांकित चित्र यहाँ पर आप देख सकते हो। ये यहाँ पर बहुत ही सरल सा चित्र है, आप देखो यहाँ पर इस तरीके से। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए क्या होता है, जीव कोशिका में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, यही अंतर होता है सबसे बड़ा जीव कोशिका में और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, जंतु कोशिका या जो जीव कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है। ये यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य है, यहाँ पर ये, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये माइक्रो ट्यूब्यूल है, फिर यहाँ पर देखिए ये माइटोकांड्रिया है, और ये क्या है यहाँ पर देखिए चिकनी अंतःप्रद्रव्यी क्या है, जालिका है, यहाँ पर केंद्रक द्रव्य है ये, यहाँ पर देखिए, फिर है क्रोमैटिन जालिका, यहाँ पर ये आप देख रहे हो यहाँ पर, फिर है ये यहाँ पर ये जो दाने बने हुए हैं, दानेदार अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, फिर यहाँ पर आप देखो ये क्या है, ये गाल्जी का है, फिर यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये, फिर देखिए लाइसोसोम है ये, इसके बाद केंद्रिका सबसे बीच में, फिर केंद्रक छिद्र है ये, यहाँ पर ये जो खाली खाली आपको दिख रहा है, फिर केंद्रक झिल्ली यहाँ पर बनी हुई है ये जो आप देख रहे हो यहाँ, फिर राइबोसोम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये आपकी जीव कोशिका, यहाँ पर इसको आपने नामांकित चित्र देख लिया, इसको बनाना बहुत इजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिया, अब आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक प्रभाव बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण देखिए, सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है, शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो मुख्य रूप से इसके स्रोत है उद्योग धंधे तथा मशीनें, परिवहन के साधन जैसे कि वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर बस आदि, मनोरंजन के साधन सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि, फिर है सामाजिक क्रियाकलाप जैसे दीपावली, दशहरा, त्योहारों पर तथा विवाह शादियों में पटाखे छुड़ाना, चुनाव तथा हड़ताल आदि के समय लाउडस्पीकरों द्वारा तेज आवाज में भाषण देना, रात्रि जागरण करना, ये सब क्या ध्वनि प्रदूषण के कारण है या स्रोत है। अब देखिए इसका प्रभाव, हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर, देखिए तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये 90 डेसिबल है, याद रखिएगा, इससे ऊपर की ध्वनि मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होती है और ये बार बार एग्जाम में भी पूछा गया, तो ये 90 डेसिबल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। 2019 में देखिए पहली बार पेपर हुआ तभी भी पूछा गया, दूसरी बार पेपर हुआ पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन लगातार हर एक पेपर में आ रहा है, तो इसको आप तो जरूर याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे नाभिकीय भट्टी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब यूरेनियम की नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं हम, तो यूरेनियम नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन। किंतु वर्तमान समय में वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। 2009 में विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 13-14% भाग नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता। हमारे देश में तारापुर यानी कि महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातुओं की 4 विशेषताएं बताइए दोस्तों। तो देखिए धातुओं की 4 विशेषताएं बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो धातुएं होती हैं, देखिए धातु शुद्ध रूप से धातु की जो सतह होती है चमकदार होती है, सोना चांदी आपने देखा ही है। धातु के इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, कठोर बिल्कुल होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, धातुएं कठोर होती है यह भी याद रखिएगा, चमकदार होती है, कठोर होती है। इसके अलावा देखिए
कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता भी हम कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, इन्हीं को पीट करके क्या बनाते हैं, हम गहने बनाते हैं। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है? प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो प्रकृति लाती है, जैसे कि भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ। और मानवकृत आपदाएं क्या होती है? जैसे कि आग लगना, कहीं पर आग लग गया, कहीं पर कोई परमाणु आपदा, परमाणु बम फट गया, तो ये सब क्या आतंकी गतिविधियां हुई, ये सब क्या है, मानव के द्वारा की गई चीजें होती हैं, तो ये मानव आपदा हुई। देखिए प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव होता है, ये कब आ जाएंगी कुछ पता नहीं होता, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। और मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं, और इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव नहीं होता है, जैसे कि आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हल कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट देना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों टेलीग्राम को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम को ज्वाइन करने पर आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारे विषयों की वीडियोज भी प्रोवाइड करते हैं और जिन वीडियोज की हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल होती है उसकी पीडीएफ भी हम आपको देते हैं। तो टेलीग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों, और सारे के सारे विषयों के वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के मास्टर क्लास, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की वीडियो सब आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।